Good evening, everyone. Today we are going to start with the unit 2 of chapter 1, that is proportion. Last class we thoroughly understood the meaning of ratios. What is ratio? Just have a quick recap. It is a comparison of two or more quantities of similar nature and same unit. So what is proportion? An equality of two ratios is called proportion. An equality of two ratios is called proportion. An equality of two ratios are called proportion. So if A comma B comma C comma D are said to be in proportion, then A by B equals to C by D, then A by B is equals to C by D. Clear? So basically we can say that AD is equals to BC. AD is equals to BC. What is A? A is first proportion. What is B? Second proportion. What is C? Third proportion. What is D? Fourth proportion. So first, second, third, fourth proportion. So what is AD? AD is a product of the first and the last term. So we can say product of extremes, and numbers between this product is known as means. This is known as product of means. So this is one of the very important note, or you can say property or proportion, that product of extremes is equals to product of means. This is also known as cross product rule. This is also known as cross product rule. This is also known as cross product rule. We can show it like this also. A is to B proportional to C is to D. This is the sign of proportion. This is the sign of proportion. That is equals to. For example, 6 by 8 is equals to 12 by 16. For example, 6 by 8 is equals to 12 by 16. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा. क्या क्वेश्चन आएगा? कि सर, इसका यूनिट और इसका यूनिट क्या सेम होना चाहिए? मैं बात कर रहा हूं ए बी सी डी का. क्या चारों का यूनिट सेम होना चाहिए? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. जैसे कि 6 रुपए में 12 टॉफी आएगा और 8 रुपए में 16 टॉफी आएगा. सो नाउ 6 by 8 इज इक्वल्स टू 3 by 4. 12 by 16 इज इक्वल्स टू 3 by 4. इक्वालिटी ऑफ रेशियोज. इक्वालिटी ऑफ रेशियोज. क्लियर? तो अगर हम लोग ए बी सी डी को प्रपोर्शन में प्रूव करना चाहते हैं तो उसका यूनिट सेम हो चाहे डिफरेंट हो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा कुछ सोचिए a by b equals to b by c, a by b equals to b by c. इस केस में a b c आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, इस केस में ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, इस केस में ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन एंड यूनिट्स मस्ट बी सेम. और इसका यूनिट्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि बी यहां भी यूज हो रहा है, वहां भी यूज हो रहा है. तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी और बी इक्वल्स टू रूट ओवर ए सी और बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए सी. दिस बी इज नोन एज मीन प्रपोर्शनल. This B is known as mean proportional. This B is known as mean proportional. That is square root of the product of the extremes. 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 चलिए example करते हैं, कुछ कुछ अभी जितना सीखे हैं उसके ऊपर example लिखिए आप. 10/3 is to x is to 5/2 is to 5/4, 10/3 is to x is to 5/2 is to 5/4. तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 10/3 by x is equals to 5/2 by 5/4. ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. और 10/3 into 5/4 is equals to 5/2 into x. सॉल्व करिए कितना आ रहा है x का आंसर. x is coming to 5/3. वेरी गुड, x is coming to 5/3. x is coming to 5/3. क्लियर है आपका पहला एग्जाम्पल? नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन टू 2/3 कॉमा 3/7 कॉमा 4. अब फोर्थ प्रपोर्शन बोल दिया है, मतलब हम लोग को x कहां लिखना है? लास्ट में. फोर्थ प्रपोर्शन बोला है ना, तो x कहां लिखेंगे हम लोग? लास्ट में लिखेंगे. तो 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3/7 इंटू 4. कौन सा प्रॉपर्टी से लिखें बताओ? ये जो मैंने यहां लिखा है 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3/7 इंटू 4, विच प्रॉपर्टी आई हैव यूज्ड? वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ दैट इज एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड. सॉल्व करके बताइए एक्स का आंसर क्या आ रहा है? 18/7.
by solving, we get the answer 18 by 7. By solving, we get the answer x is equals to 18 by 7. तो एक बार मैंने आपको बाय डेफिनेशन वाले प्रॉपर्टी से सिखा दिया a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, और एक बार मैंने आपको इस तरीके से सिखा दिया. आप एग्जाम में कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द मीन प्रपोर्शन, फाइंड द मीन प्रपोर्शनल टू 1.25. Find the mean proportional to 1.25 and 1.8. ठीक है, तो मीन प्रपोर्शनल मतलब हम लोग बी से डिनोट करते हैं, रूट ओवर ए सी, तो रूट ओवर 1.25 इंटू 1.8 कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है मीन प्रपोर्शनल का वैल्यू, जिसको हम लोग बी से डिनोट किया है. यहां पर इट इज कमिंग टू 1.5. इट इज कमिंग टू 1.5. क्लियर है आप लोग को? एक और एग्जाम्पल लेते चलिए. फाइंड थर्ड प्रपोर्शन, फाइंड थर्ड प्रपोर्शन टू 2.4 मीटर कॉमा 3.6 मीटर. तो थर्ड निकालने बोला है, इसका मतलब 2.4 बाई 3.6 इक्वल्स टू 3.6 बाई एक्स, ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी. दो नंबर में बोलेगा तो इट इज इंप्लाइड कि वो कंटिन्यूअस है, वरना फिर हम लोग थर्ड प्रपोर्शन निकालेंगे कैसे. और x इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 3.6 बाई 2.4, और x इज इक्वल्स टू क्या 5.40 आ रहा है, 5.40 आ रहा है. क्लियर है? है कि ना? नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन. नेक्स्ट वील मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन. प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इन्वर्टेंडो. इन्वर्टेंडो ब्रैकेट में लिख लो रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स, रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स. और जो लोग कॉन्वेंट स्कूल से नहीं पढ़े हैं उनके लिए देख घुमा के, जस्ट आपको घुमा के देखना है उसको. ठीक है, तो इफ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इज गिवेन, तो इसका इन्वर्टेंडो क्या हो जाएगा, बी बाई ए इक्वल्स टू डी बाई सी. इसका इन्वर्टेंडो क्या हो जाएगा, बी बाई ए इक्वल्स टू डी बाई सी. इसका इन्वर्टेंडो हो जाएगा b बाई ए इक्वल्स टू डी बाई सी. यहां तक क्लियर है? नंबर टू, अल्टरनेंडो. अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो ये क्या बोलता है,
either change the means or the extremes. Either change the means or the extremes. Either change the means or the extremes. So if A by B equals to C by D, then its alternando is E equals to D by B equals to C by A. D by B equals to C by A. यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? Change of extremes. ठीक है. Next up is componendo. Adding one on both the sides. Adding one on both the sides. Adding one on both the sides. That is A by B equals to C by D can be written as A plus B by B equals to C plus D by D. A plus B by B equals to C plus D by D. Number 4. Dividendo. क्या होगा इसका? Subtracting one on both the sides. Subtracting one on both the sides. So if A by B equals to C by D, then A minus B by B equals to C minus D by D. Number 5 will be Componendo and Dividendo. इसका मतलब adding भी करना है, subtracting भी करना है, one on both the sides. तो सर आप बताइए कैसे होगा? एडिंग कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है ए माइनस बी बाई बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई डी. ये मेरा एडिंग करने से आ रहा है. और सब्ट्रैक्टिंग कर रहे थे हम लोग, क्या आ रहा है? ए माइनस बी बाई बी इक्वल्स टू सी माइनस डी बाई डी. अब दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो. तो ए प्लस बी बाई बी बाई ए माइनस बी बाई बी equals to C plus D by D by C minus D by D. कुछ कुछ चीज कैंसिल होगा, काट दो, तो आपका आ गया A plus B by A minus B equals to C plus D by C minus D. क्लियर है यहां तक? कौन सा पॉइंट हो गया? नंबर 6, दैट इज एडेंडो. एडेंडो इन सिंपल, एडिंग ऑल द फर्स्ट टर्म, दैट इज एंटीसीडेंट्स, बाय adding all the second term, that is consequent.
adding all the first term antecedent by adding all the second term consequent. So if A by B equals to C by D equals to E by F equals to G by H equals to dot dot dot, if this is the kind of series we are looking for, then iska addendo kya hoga? A plus C plus E plus G plus dot 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 by B plus D plus F plus H plus dot dot dot. Hai na? Next one is subtrahendo. ये जो अपने ऊपर जो एग्जाम्पल लिए ना उसी से हम लोग समझ जाएंगे कैसे. ए माइनस सी माइनस ई माइनस जी माइनस डॉट 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 बाई बी माइनस डी माइनस एफ माइनस एच माइनस डॉट डॉट डॉट. क्लियर हो रहा है ना? यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? पक्का? चलिए कुछ एक क्वेश्चन करिए आप लोग. थ्री कॉमा सेवन कॉमा फिफ्टीन कॉमा क्वेश्चन मार्क सब प्रपोर्शन का क्वेश्चन. हा थ्री कॉमा फाइव कॉमा ट्वेंटी वन कॉमा क्वेश्चन मार्क. अच्छा बताइए इसका मतलब क्या होता है. सिक्सटीन कॉमा थर्टी सिक्स कॉमा क्वेश्चन मार्क. इसका मतलब इस समय आपको इस दो समय तो क्लियर हो जा रहा है कि हमको क्या निकालने बोला है. फोर्थ प्रोपोर्शनल. ये जो इस टाइप का जो सम है इसमें क्या निकालने बोलेगा? थर्ड प्रोपोर्शनल. क्योंकि दो टर्म दिया हुआ है तीसरा वाला पूछ रहा है क्या निकालने बोला है. थर्ड प्रोपोर्शनल. नाइन कॉमा ट्वेल्व कॉमा क्वेश्चन मार्क. मीन प्रपोर्शन निकालना है 8 एंड 82. ये नंबर वन. 7 एंड 28 नंबर थ्री. 12 एक्स स्क्वायर एंड 27 वाई स्क्वायर. चलिए बताइए पहला वाला का आंसर क्या होगा. एक सेकेंड बताइए कैसे किया आपने पहला वाला. पहला वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है 3 बाई 7 इक्वल्स टू 15 बाई एक्स और एक्स इज इक्वल्स टू 15 इंटू 7 बाई 3 और एक्स का आंसर क्या आ जाएगा 35. करेक्ट? हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है? 3 बाई 5 इक्वल्स टू 21 बाई एक्स. राइट? और एक्स इक्वल्स टू 21 इंटू 5 बाई 3. फिर से एक्स का आंसर क्या आ गया 35. नेक्स्ट वाला का सॉल्यूशन कैसे होगा? 16 बाई 36 इक्वल्स टू 36 बाई एक्स. वेरी गुड. 16 बाई 36 इज इक्वल्स टू
36 by x कितना आ रहा है 81. द आंसर इज कमिंग डाउन टू 81. द आंसर इज कमिंग डाउन टू 81. नेक्स्ट का सॉल्यूशन क्या था 9/12 इक्वल्स टू 12/x और x इक्वल्स टू 12 × 12/9 16 आ रहा है. नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या निकालने बोला, मीन प्रपोर्शन बोला है. तो b इक्वल्स टू रूट ओवर ए सी 8 × 82 का रूट कितना आ रहा है 25.6. एट एंड 82 का रूट करके क्या आ रहा है 25.6. यहां पर एक डेंजर का साइन बनाओ, यहां पर एक डेंजर का साइन बनाओ. जनरली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं मैं वो बता रहा हूं आपको. वो क्या करते हैं 8 × 82 के बाद वो रूट प्रेस कर देते हैं. दैट इज अ रॉन्ग. 8 × 82 के बाद रूट प्रेस अगर आप करोगे तो कैलकुलेटर में आपका 82 का रूट विल द शो द आंसर. आंसर विल रिप्लिक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 82. आंसर विल रिप्लिक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 82. तो ये प्रोसेस गलत है. आपको क्या करना है, कभी भी ऐसे प्रोडक्ट का रूट निकाल रहे हो तो 8 × 82 इक्वल्स टू फिर रूट. ठीक है ना, 8 × 82 फिर इक्वल्स टू रूट. क्लियर है. नेक्स्ट बीन मीन प्रोपोर्शनल निकालना था जिसमें वैल्यूज क्या थे 7 और 28. मेरा आंसर आ गया होगा 14. मेरा आंसर आ गया होगा 14. जो नेक्स्ट सम था वो टेक्निकल है हल्का सा, क्योंकि अपने को x एंड y दिया हुआ है ना, तो अपने क्या लिखेंगे उसको रूट ओवर 12x² × 27y². अच्छा लिख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 12x² and 27y². फाइंड मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 12x² and 27y². तो रुक जाओ, पहले 12 × 27 इक्वल्स टू रूट करो. मेरा 18 आएगा. x स्क्वायर का रूट हो गया x और y स्क्वायर का रूट हो गया y. तो आंसर इज 18xy. द आंसर इज 18xy. ठीक है, अभी मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा, इसमें आपको फाइंड निकालना है x. पहला क्वेश्चन है 5:15 प्रोपोर्शनल टू x:2. और सेकेंड जो क्वेश्चन है वो ये है 75:3 इज प्रोपोर्शनल टू x:9. इस वाले का आंसर हम लोग कैसे दिखाएंगे, 5/15 इक्वल्स टू x/2 और x इक्वल्स टू 5 × 2/ कितना आ रहा है, वेरी गुड 2/3. और दूसरे वाले का क्या है 75/3 इक्वल्स टू x/9.
और एक्स इक्वल्स टू 225। अभी अभी मेरे से एक बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है कि क्या मैं आंसर डेसिमल में निकाल सकता हूं, तो थोड़ा सा तो देखिए आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना, आपके पास तो ऑप्शन दिया रहेगा, तो ऑप्शन से तो आप समझ में आ जाएगा आपको डेसिमल में आंसर है या फ्रैक्शन में आंसर है। तो अगर ऑप्शन में डेसिमल में रहेगा तो 2/3 का डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, अपने जनरली नहीं रहता डेसिमल में बट इसको कन्वर्ट कर लो, 0.6666 0.67, क्लियर है। और एक्स का आंसर तो इसमें नॉर्मल आ ही रहा है। एक बार 2 मिनट रिवाइज कर लीजिए अच्छे से जितना भी आप लोगों ने किया है। ठीक है, अब आप लोग इंस्टीट्यूट के मैट में जाएंगे, देखेंगे आपका पेज नंबर 1.11 में एग्जाम्पल 1 है, वो ये दिया हुआ है कि a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू 2.5:1.5, ये दिया हुआ है हम लोगों को, और हम लोगों को निकालने बोला है AD इज टू बी सी और ए प्लस सी इज टू बी प्लस डी, ये दो वैल्यू हम लोग को निकालने बोला गया है ना। तो हम लोग पहला वाला के लिए आंसर क्या लिखेंगे, बाई प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन, बाई प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो एडी इज टू बीसी का रेशियो क्या आएगा, 1:1, ठीक है। फिर से अगर इस पोर्शन में आप एडेंडो अप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, ए प्लस सी बाई बी प्लस डी इक्वल्स टू 2.5 + 2.5 / 1.5 + 1.5, क्योंकि ए और सी दोनों का वैल्यू 2.5 है और बी और डी दोनों का वैल्यू 1.5 है, मेरा आंसर आ गया 5/3, मेरा आंसर आ गया 5/3। क्लियर है, एग्जाम्पल 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है, ए बाई थ्री इक्वल्स टू बी बाई फोर इक्वल्स टू सी बाई सेवन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 + 4 + 7 बाई द प्रॉपर्टी ऑफ एडेंडो, तो सी बाई 7 इक्वल्स टू क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 14, बट हमको तो वैल्यू निकालना है किसका, ए प्लस बी प्लस सी बाई सी का निकालना है वैल्यू, कोई बात नहीं जी ऑल्टरनेंडो कर लो, आ गया आंसर 2, आ गया आंसर 2। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स, करेक्ट। और थोड़ा सा अगर बचपन में जाएंगे जब हम लोग जेली टॉफी खाते थे, अभी भी खाते होंगे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट उस टाइम पे ज्यादा क्रेज था अपने को उस चीज का, लॉलीपॉप वगैरह का, जेली टॉफी का, तब हम लोग बचपन में करते थे, इफ
a by 3 equals to b by 4 equals to c by 7 equals to k ले लेते थे से, तो a का वैल्यू आ गया 3k, b का 4k और c का 7k. अब मेरे को वैल्यू क्या निकालना है, a plus b plus c by c का, that is 3k plus 4k plus 7k by 7k, सेम वही हो रहा है. अजम्पशन क्या देंगे, प्रोवाइडेड k इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. तो टेक्निक वन इज बाय प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, आप लिख सकते हैं इसको, दिस इज बाय प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन. टेक्निक टू इज बाय के मेथड. टेक्निक थ्री सीखने आप यहां आए. थोड़ा सा अगर आप नीचे गिरेंगे लास्ट क्लास में, तो ऐसा कुछ था क्या, इफ ए बाई वन इक्वल्स टू बी बाई टू इक्वल्स टू सी बाई थ्री, देन ए को हम लोग वन मान लेते थे, बी को टू, सी को थ्री. क्योंकि ये तो एमसीक्यू मोड है, कोई देखने तो आ नहीं रहा है कि हम लोग ने के लेके किया है कि सी लेके किया है कि डी लेके किया है. हमको आंसर लाने से मतलब, वो भी लॉजिकली, तो हम लोग यहां पर ए बी सी को क्या मान लेते हैं, डिनोमिनेटर. तो सिंस यहां पर ए बाई थ्री है, b बाई फोर है और c बाई सेवन है, तो a थ्री आ गया, b फोर आ गया, c सेवन आ गया. अब वैल्यू प्लेस कर दो, 3 प्लस 4 प्लस 7 बाई सेवन, 14 बाई सेवन इक्वल्स टू 2. बड़े अजीबोगरीब बात है कि कभी तो ऐसा हुआ करता था, कभी ऐसा हुआ करता था कि एक सम्स का सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाते थे. और देखिए पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा हुआ कि एक सम्स का तीन तीन तरीका निकल रहा है सॉल्यूशन निकालने का. तो ऐसा ही है, इट्स जस्ट दैट विच मेथड वी नीड टू अडैप्ट टू. चलिए एग्जांपल थ्री पढ़िए इंस्टीट्यूट के मैट का. A dealer mixes tea costing rupees 6.92 per kg with tea costing 7.77 per kg and sells the mixture at 8.80 per kg and earns a profit of itna percent on sale price. In what proportion does he mix then? Okay, कोई दिक्कत नहीं है. मेरे पास दो quality का चाय है, एक का दाम है 6.92 और दूसरे का दाम कितना है 7.77. करेक्ट. इसका एक्स केजी लेते हैं, इसका वाई केजी लेते हैं, दोनों का महागठबंधन होता है और दोनों का जो महागठबंधन होता है उसको हम बेच रहे हैं 8.80. This is my selling price and this is my cost price. Mind it. तो selling price को तो हम लोग cost price में convert कर सकते हैं. क्या minus करना पड़ेगा, profit, जो कि कितना है मेरा 8.80 का 17.5%. 17 1 by 2 का मतलब क्या होता है, 17.5% करके बताइए मेरे को कितना आ रहा है, 1.54. चलिए माइनस कर दिया 1.54, कितना आ रहा बताइए माइनस करके, 7.26 आया सबका. सबका आया 7.26. ठीक है, अब 6.92 7. कितना था, 7.56.
ना ना ना, 7.7 था क्या? और बीच में क्या था? 7.26। ये एक शॉर्टकट है जिससे आप दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं कि किस रेशियो में ये मिक्स हुआ था। ग्रुप वन को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, ग्रुप टू को आप राइट हैंड साइड में लिखो, और बीच में कंबाइंड लिख दो। इसका इसका जो डिफरेंस है वो यहां लिखना, इसका इसका जो डिफरेंस है वो यहां निकला, तो ये रेशियो बन जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा। तो ये आ रहा है 51, ये आ रहा है 34, मतलब रेशियो हो गया 3:2। रेशियो हो गया 3:2। तो दिस इज द टेक्निक। और अगर आपको टेक्निक फॉलो नहीं करना है तो भी अपने पास तरीका है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। 6.92 को मिक्स किया एक्स केजी के साथ में, 7.7 को मिक्स किया वाई केजी के साथ में, तो बना कितना? एक्स प्लस वाई केजी एट द कॉस्ट ऑफ 7.26। तो आप सारे एक्स को एक साथ लेकर के आओगे ना, और सारे वाई को एक तरफ लेकर के आओगे, तो एक्स बाई वाई का रेशियो भी क्या आएगा? 3:2 आएगा। आप इस मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस टेक्निक से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है आपको? कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? नो इश्यूज, गुड। एक्सरसाइज 1B। चलिए, पहला क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? फोर्थ प्रोपोर्शनल। कोई बात नहीं, तो 4/6 इक्वल्स टू 8/x और x इक्वल्स टू 48/4 और x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू 12। क्लियर है पहला सम? ऐसा बहुत सारा एग्जांपल हम लोग ने किया भी था। क्वेश्चन नंबर टू, थर्ड प्रोपोर्शनल बोला है, तो 12/18 इक्वल्स टू 18/x और x इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर बाय 12, 27 और x इक्वल्स टू 27। मीन प्रोपोर्शनल निकालने बोला है, तो रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर आपका। थोड़ा फास्ट लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी करा चुका हूं ये सब। दिस इज अगेन सेम टाइप विद अ डिफरेंट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 हल्का सा टेक्निकल है, बहुत जन को लैंग्वेज समझ में प्रॉब्लम होता है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, समथिंग टू समथिंग, ए टू बी, हाउ डू वी राइट? इफ इट हैज रिटन ए टू बी, हाउ डू यू राइट? वी राइट इट एज ए बाई बी। तो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। मतलब जो रिश्ता 6 हैज टू 13, विच नंबर हैज टू 26? जो रिश्ता 6 हैज टू 13, विच नंबर विल हैव इट टू 26? मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालने बोला था यहां पर। We get the answer 12, correct? चलो क्विकली डू द फिफ्थ नंबर।
फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने बोला है, तो क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, सेकेंड इंटू थर्ड बाई फर्स्ट, फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब मैं लिख सकता हूं ना ऐसे, सेकेंड इंटू थर्ड दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बाई फर्स्ट, तो क्या आ रहा है ए सी बाई टू, तो क्या आएगा ए सी बाई टू, नंबर सिक्स, वन बाई टू कॉमा वन बाई थ्री कॉमा वन बाई फाइव कॉमा वन बाई एक्स आर इन प्रपोर्शनल, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो वन बाई थ्री इंटू वन बाई फाइव इक्वल्स टू वन बाई टू इंटू वन बाई एक्स, और 1 बाई फिफ्टीन इक्वल्स टू 1 बाई टू एक्स, और x इक्वल्स टू 15 बाई टू, और x इक्वल्स टू 15 बाई टू। क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी डन, रेफर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी डन, रेफर एग्जाम्पल, कूल, इफ a इज इक्वल्स टू b बाई टू इक्वल्स टू c बाई फाइव, what is a is to b is to c, 1 is to 2 is to 5, sir kaise sir, a ke niche to kuch nahi hai, beta agar a ke niche kuch nahi hai to hum log usko kya mante hai, by 1, agar a ke niche kuch nahi hai to usko hum log kya mante hai, by 1। नाइन नंबर में लिख लो रेफर एग्जाम्पल, टेन इलेवन रेफर एग्जाम्पल, नाइन टेन इलेवन सेम सम्स हमने किया है रेफर एग्जाम्पल, मतलब वैल्यूज का भी चेंज नहीं है। टेन और इलेवन हम लोग ने एबीसीडी लेके किया था, यहां पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू या पी क्यू आर एस बोल के किया है। टेन का आंसर बी होगा, इलेवन का आंसर सी होगा, मतलब आपके इंस्टीट्यूट के मैट में सॉल्व भी किया हुआ एग्जाम्पल नंबर टू में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y बाई 5y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 3 बाई 4, इज इक्वल्स टू 3 बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे x को एक साथ ले आओ, क्या आंसर आ रहा है 27:29, सही है ना, नन ऑफ दीज आंसर होगा 27:29। ठीक है चलो 13 करो, तो सिखाए थे लास्ट क्लास, ए इज टू बी क्या दिया हुआ है 3:2, और बी इज टू सी क्या दिया हुआ है 3:5, पहला पहला दूसरा पहला दूसरा दूसरा, 9:6:10, 9:6:10, 9:6:10, नेक्स्ट एक्स बाई टू वाई बाई थ्री जेड बाई सेवन, थोड़ा संभल के एक्साइटमेंट में गलती मत कर देना, यहां पर 2x माइनस 5y प्लस 4z बाई 2y, यही तो होगा, तो 2 इंटू 2 क्या होगा, क्योंकि x का वैल्यू क्या मानना है अपने को, यहां पे 2 मानना है, x को 2 मानेंगे, y को 3 मानेंगे, z को 7 मानेंगे, तो 2 इंटू 2
माइनस फाइव इंटू थ्री प्लस फोर इंटू सेवन बाई टू इंटू फाइव इक्वल्स टू फोर माइनस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी एट, फोर माइनस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी एट बाई टेन कितना आ रहा आंसर, सेवनटीन बाई टेन, सॉरी 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 ये फाइव नहीं होगा यहां पर थ्री होगा, तो आंसर आएगा सेवनटीन बाई सिक्स, आंसर आएगा सेवनटीन बाई सिक्स। चलिए फिफ्टीन नंबर करिए, क्या बोला फिफ्टीन नंबर में, एक्स इज टू वाई टू इज टू थ्री दिया हुआ है, वाई इज टू जेड फोर इज टू थ्री दिया हुआ है, एक्स इज टू वाई टू इज टू थ्री, वाई इज टू जेड फोर इज टू थ्री, तो एट इज टू ट्वेल्व इज टू नाइन, एक्सेलेंट। नंबर 16, डिवीजन ऑफ 750 इनटू थ्री पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 4 इज टू 5 इज टू 6, 750 का तीन पार्ट करना है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आएगा 4 बाई 15 इंटू 750, फिर 5 बाई 15 इंटू 715, फिर 6 बाई 15 इंटू 750, 200, 250, 300, 200, 250 और 300, दो सौ ढाई सौ और तीन सौ, क्लियर है 16 नंबर तक। आगे बढ़े 17, द सम ऑफ द एजेस ऑफ थ्री पर्सन्स इज 150, 10 इयर्स अगो देयर एजेस वेयर इन द रेशियो 7 इज टू 8 इज टू 9, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 10 इयर्स अगो प्रेजेंट 7x, 8x, 9x, तो प्रेजेंट में क्या आएगा, 7x प्लस 10, 8x प्लस 10, 9x प्लस 10, एंड प्रेजेंट का टोटल इज कमिंग टू 24x प्लस 30, प्रेजेंट का टोटल इज कमिंग टू 24x प्लस 30, तो आप ही मेरे को बताओ कि ये 24x प्लस 30 इज इक्वल टू 150 लिख सकते हैं बाय द प्रॉब्लम, क्योंकि इन्होंने कहा ऐसा, तो 24x इक्वल्स टू 120 और x इक्वल्स टू 5। तो यहां पर 5 पुट करेंगे तो आएगा 45, 50, 55, 45, 50, 55, क्लियर है। द नंबर्स 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन, द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रपोर्शन, मतलब फोर्थ प्रपोर्शनल निकालना है, इन शॉर्ट 42 वहां से हटा के x पुट कर दो, इसका मतलब हो गया 14 बाई 16 इज इक्वल्स टू 35 बाई एक्स, और एक्स इज इक्वल्स टू 35 इंटू 16 बाई 14, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 40 आएगा, तो
40 आ रहा है, देखो नाइनटीन नंबर प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी है। इफ एक्स बाई वाई इक्वल टू जेड बाई डब्ल्यू इंप्लाइज वाई बाई एक्स इक्वल टू डब्ल्यू बाई जेड, मतलब घुमा दिया पूरा, आंसर होना चाहिए इन्वर्टेंडो। तो वहां लिख लो आंसर होगा इन्वर्टेंडो, और ऑप्शन में टिक करेगा डी। वहां लिख लो इन्वर्टेंडो, ऑप्शन में टिक करेगा डी। नेक्स्ट क्या है, पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस इक्वल्स टू पी माइनस आर बाई क्यू माइनस एस, इसका मतलब हो गया सबट्राहेंडो। 21 वाला तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, और 22 वाला भी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है। 23 सॉल्व करिए, ट्वेल्व बाई सिक्सटीन इक्वल्स टू एक्स बाई ट्वेंटी, 23 सॉल्व करिए, 12 बाई सिक्सटीन इक्वल टू एक्स बाई थर्टी, एक्स का आंसर क्या आ रहा है 50। 24 करिए, 4 बाई एक्स इक्वल टू 9 बाई 13.5, वेरी गुड 6 आ रहा है। 25 मीन प्रपोर्शन निकाला 1.4 और 5.6 का। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2.8 आ रहा है तो एग्जाम में दो ऑप्शन दिया रहेगा, एक सिर्फ 2.8, एक 2.8 ग्राम्स, तो हम लोग को ग्राम्स में करना है। ठीक है, 26 वाला ट्राई करिए, चलिए खुद से 4 प्लस 5 प्लस 9 बाई 9 कितना आ रहा है, वेरी गुड 2 आएगा आंसर। आंसर आएगा 2, 26 वाला का। If a by 4 equals to b by 5 equals to c by 9, then a plus b plus c by 4 by c is what? 4 plus 5 plus 9 by 9. 27 में आइए, जो लोग नींद से जाग चुके हैं, एक्सरसाइज नंबर 1B सॉल्व कर रहे हैं, 27 नंबर पे हैं हम लोग। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, इफ 6 बी एडेड टू ईच टर्म्स ऑफ द रेशियो देन द न्यू रेशियो विल बी 4:5, तो 3x 4x मान के चलना पड़ेगा नंबर को हम लोग को, कितना ऐड कर रहा है 6 ऐड कर रहा है, तो 3x प्लस 6 बाई 4x प्लस 6 इज इक्वल टू वॉट 4/5। अब लास्ट डे वी डिस्कस्ड द टेक्निक, क्या होगा बताओ, 5 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 बाई 1, तो x का आंसर क्या आ रहा है 6 आ गया, तो नंबर क्या होगा 18:24। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का आंसर निकालना है। ट्वेंटी एट वाला फिर टेक्निकल है, क्या बोला है a बाई फोर इक्वल्स टू b बाई फाइव, तो इसका क्या होगा a प्लस फोर बाई a माइनस फोर इक्वल्स टू b प्लस फाइव बाई b माइनस फाइव। आइदर यू सर्च दिस और यू गो फॉर a माइनस फोर, a माइनस फोर बाई a प्लस फोर इक्वल्स टू b माइनस फाइव बाई b प्लस फाइव, मतलब पैरेलली साइन सेम होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में साइन सेम नहीं है, काट दो, बी में राइट है, बी टिक कर दो, ए और सी में साइन इज डिफरेंट पैरेलली।
नेक्स्ट इज 29। तो a बाई बी अगर 4 है तो b बाई ए क्या हो जाएगा, 1/4। a बाई बी अगर 4 है तो b बाई ए क्या हो जाएगा, 1/4। तो रूट ओवर a बाई बी प्लस रूट ओवर b बाई ए इक्वल्स रूट ओवर 4 प्लस रूट ओवर 1/4। वेरी गुड, 2 + 1/2 इक्वल्स टू 5/2। 2 + 1/2 इक्वल्स टू 5/2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30। एक्स बाई बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू वाई बाई सी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू जेड बाई ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू के, ब्रैकेट में से। तो एक्स का आंसर आ गया बी प्लस सी माइनस ए इंटू के, वाई का आ गया सी प्लस ए माइनस बी इंटू के। और z का आ गया a प्लस बी माइनस सी इंटू के। डन फॉर दिस। अब b माइनस सी इंटू एक्स था, c माइनस ए इंटू वाई था और a माइनस बी इंटू जेड था, करेक्ट? तो क्या हो जाएगा ये b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू के, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू के प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू के। जब आप k कॉमन ले रहे हो ना तो ब्रैकेट में जो टर्म बच रहा है इसको अपने बोलते हैं साइक्लिकल फॉर्म। साइक्लिकल फॉर्म बोलते हैं इसको अपने। देखो b से c में जा रहा है, c से a में जा रहा है, वापस a से b में आ जाए, इट इज अ सॉर्ट ऑफ साइक्लिकल फॉर्म। एंड ध्यान रखना साइक्लिकल फॉर्म का सम दैट इज एडिशन टर्न्स आउट टू बी जीरो। सो k इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। k इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। k इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। जब आपको घर में टाइम मिलेगा आराम से आप देखिएगा मल्टीप्लाई करके कि मेरी बात सच हो रही है या नहीं। यू कुड हैव नोटिस इन द लास्ट टू क्लासेस विच वी स्टार्टेड विथ रेशियो एंड टूडे प्रपोर्शन, वन थिंग इज वेरी श्योर, अगर हम लोग मन लगा करके कोई भी चीज को करेंगे तो हमको समझ में भी आएगा और हमसे सम्स बनेगा भी। वैसा कोई बात नहीं है कि हमसे नहीं बनने वाला, ठीक है।